आज फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था, अर्जेंटीना ने फ्रांस के साथ बेहतरीन फाइट करके वर्ल्ड कप जीत लिया। 16 साल बाद यूरोप से अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चला गया। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कतर को, ख़ास तौर पर। छोटा सा मुल्क 12 साल पहले बिड जीती और आज कंक्लूड किया कामयाबी के साथ दुनिया का महंगा तरीन फीफा वर्ल्ड कप करवा के। इंस्पायर्ड किया, मज़ा आ गया कि बड़े बड़े मुल्क वो नहीं कर सके जो छोटे से मुल्क कतर ने किया। उनकी मैनेजमेंट, बहुत सारे मैसेजेस, जिस तरह उन्होंने शुरुआत की, जिस तरह उन्होंने इफ्तिताह किया, जिस तरह उन्होंने लोगों को वेलकम किया, इतने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए, एक्सेस दी। मेरे ख्याल जितने भी फैंस आए होंगे उनका ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा कम खर्चा हुआ होगा, वरना दूसरे मुल्कों में जब जाते हैं तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है एक मैच से दूसरे मैच में जाने के लिए, एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम में जाने के लिए। और मैं कहता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, हज़ारों मैसेजेस कतर ने छोड़े हैं दुनिया के लिए, सीखने के लिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो क्या क्या नहीं कर सकते। हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि आप एक हुकूमत होते हैं, आप एक मुल्क होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास लॉज होते हैं, आप अथॉरिटी होते हैं। अगर आप चाहें, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी कौम से प्यार करते हैं, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू कतर, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और रोंगटे खड़े करने के लिए। थैंक यू कतर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कतर, कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जेंटीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेसी टीम।